श्रीलंकन सदर ने तमिल टाइगर्स के खिलाफ जंग में श्रीलंकन फौज की जंगी जराइम की तहकीकात पर एहतजाज करते हुए धमकी दे दी है और कहते हैं अगर तहकीकात की गई तो दूसरी श्रीलंका अक्वामे मुतहदा के इंसानी हकूक काउंसिल की रुकनियत से दस्तबरदार हो जाएगा। श्रीलंकन सदर गोताबा बाया राजा पाक्से ने कोलंबो में तमिल टाइगर्स को शिकस्त देने की 11वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा है कि अगर फौज के खिलाफ तहकीकात की गई तो श्रीलंका अक़्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक काउंसिल से निकल जाएगा। श्रीलंकन सदर ने मजीद कहा कि फौजियों का तहफ्फुज करना मेरा कौमी फर्ज है। अक़्वामे मुत्तहिदा समेत किसी भी बैनुल अक़्वामी इदारे ने अगर 30 साल खाना जंगी को खत्म करने वाले श्रीलंका के जंगी हीरोज के खिलाफ तहकीकात की तो श्रीलंका इस इदारे का हिस्सा नहीं रहेगा। तमिल अलहदगी पसंदों को मई 2009 में सदर गोताबाया पाक्से के भाई महिंद्रा राजा पाक्से की हुकूमत ने शिकस्त दी थी। अक़्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक काउंसिल ने तमिलों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 1 लाख अमवात की तहकीकात का मुतालबा किया था। अक़्वामे मुत्तहिदा इंसानी हकूक के इदारे श्रीलंकन फौज पर तमिलों के खिलाफ जंग के आखिरी दिनों में 40,000 तमिल सिविलियंस की हलाकत का इल्जाम लगाते हैं।